छल से सीता का अपहरण कर रावण उन्हें लंका लेकर गया था। श्री राम ने रावण का वध करके महिला का अपमान करने वाले एक अहंकारी राक्षस का अंत किया था। लेकिन आज का क्या, आज तो गली गली में रावण बसता है, हमारी सोच में रावण जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने मन के उसी रावण को मारने के लिए पहला प्रहार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बहनों के बलात्कार और हत्या के बाद कई दलों ने इस घटना पर राजनीति शुरू कर दी थी। मोदी ने साफ लफ्जों में बता दिया कि ऐसे गंभीर मामलों का राजनीतिकरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना कम से कम हम बंद करें, हमें शोभा नहीं देता है। मोदी सरकार ने देश भर में 660 रेप क्राइसिस सेंटर बनाने की घोषणा की है, जिनको निर्भया सेंटर कहा जाएगा। बजट में 150 करोड़ रुपए शहरों में महिलाओं की सुरक्षा पर इंतजाम में खर्च किए जाने का प्रावधान है। 50 करोड़ रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा पर खर्च करने का प्रावधान है। 100 करोड़ रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर खर्च करने का प्रावधान। उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार की ये कोशिश अच्छे नतीजे पेश करे और दशानन का ये भयानक चेहरा फिर कभी देखने को न मिले। पंकज शर्मा के साथ मोहम्मद अनस जुबैर, दिल्ली आज तक। भगवान श्री राम ने एक रावण के वध से कई बुराइयों का अंत कर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कलयुग के रावण वध में हम तरह तरह की बुराइयों का अंत कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सीमा पर असुरक्षा, महिलाओं की असुरक्षा, गंदगी के रावण के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है उसकी भी बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की बात की, स्वच्छ भारत की बात की, तो गांव शहरों से शुरुआत की, लेकिन गंदगी के रावण ने तो गंगा को भी जकड़ा हुआ है। माँ का प्रेम निश्चल है, माँ का प्रेम अविरल है, माँ कष्ट सहकर भी जीवन ही देती है, पर अब तो जीवनदायिनी के प्राण ही संकट में है। ये बड़ी दुखद पूर्ण दुर्घटना है, एक तरीका कहा जा सकता है कि अभी तक यहाँ पर अविरल धारा हम लोग को नहीं मिल पाई। पहाड़ों से अटखेलियां करती बहती गंगा अब न अविरल है न निर्मल। कहीं अवैध अतिक्रमण, कहीं सीवेज का लापरवाह विसर्जन, कहीं उद्योगों से अनियंत्रित प्रदूषण, ऐसे में नरेंद्र मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर एक नई उम्मीद दी। आज गंगा माँ को केवल आरती नहीं चाहिए, उन्हें तो श्रद्धा के दृढ़ संकल्प कर्मयोगियों का इंतजार है। नई सरकार बनने के बाद से गंगा के लिए कुछ ऐलान हुए, नए मंत्रालय का गठन किया गया, नमामि गंगे परियोजना बनाई गई, गंगा सफाई के लिए बजट में 2037 करोड़ का आवंटन हुआ। हाल ही में पीएम ने जापान से लेकर चीन तक से गंगा सफाई के लिए समझौते किए। अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर पर अप्रवासी भारतीयों से भी सहयोग की अपील की। आप देखिए हमारे देश में गंगा, आप मुझे बताइए आप में से कोई ऐसा होगा जिसके मन की इच्छा नहीं होगी कि अपने माँ बाप को कभी न कभी तो गंगा स्नान के लिए ले जाऊं। हर एक के मन की इच्छा रही होगी, लेकिन जब पढ़ता है कि गंगा इतनी मैली हो गई है तो उसको लगता है क्या करें। आप मुझे बताइए भैया, हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यूं तो पूर्व पीएम राजीव गांधी के कार्यकाल में गंगा सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान का ऐलान किया गया था, लेकिन ढाई दशक में हजारों करोड़ मानो पानी में ही बह गए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सभी सरकारों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए। एक्सपर्ट्स कमिटी, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप सभी इस पे काम कर रहे हैं। कुछ IITs को भी टेक्नोलॉजी के विषय में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए उसके लिए एक IIT का गठन हुआ है। तो मैं समझता हूँ अगले 3-4 महीने में, दिसंबर तक
इसकी एक पूरी प्रणालिका तैयार होगी। गंगा माँ को गंदगी के रावण के पंजों से छुड़ाना पीएम के साथ हम सबका दायित्व है। विजयदशमी पर माँ के लिए इस प्रण को उठाना होगा। वीर पराक्रमी राजाओं के सिंहासन की ओर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता था, सीमा की तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था, लेकिन कलयुग की बात तो अलग है, जितने पड़ोसी उतनी परेशानी। सीमा विवाद के इस राक्षस को हराने के लिए क्या किया जा रहा है वो देखते हैं। आजादी के बाद से दो सरहदों पर विवाद अब तक सुलझे ही नहीं, एक पाकिस्तान से जिससे अब तक 4 प्रत्यक्ष युद्ध हो चुके हैं और सीमा नियंत्रण रेखा का रूप ले चुकी है, दूसरा चीन से जहां 62 के युद्ध से पहले और बाद सीमा को लेकर स्पष्टता कभी रही ही नहीं। पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले पड़ोसियों से ही प्यार दिखाया था, पाकिस्तान तक को न्योता भेज दिया था, हालांकि हमेशा की तरह पाकिस्तान सम्मान का सम्मान नहीं कर पाया। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि रिश्ते सुधारना और विवाद सुलझाना एजेंडा पर है। एक तो मोदी जी ने जिस तरह स्पीच में ये रेफरेंस लाया, वो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में लाया और एक भाईचारे के कॉन्सेप्ट में लाया, तो वो तारीफ के काबिल है। सुना भी दिया, अपना रुख भी पेश कर दिया और साथ में ऐसी सफाई से पेश किया कि इशारों या इशारों में बात हो गई। ये बात और है कि जब अहमदाबाद में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सत्कार कर रहे थे, तब चुमार में चीनी जवान भारतीय सीमा में घुसपैठ कर चुके थे। कूटनीति के रास्ते में धोखे का रावण मायावी है, इस रावण के वध के लिए उसकी माया को समझना होगा, माया जाल को तोड़ना होगा। जब भी श्रेष्ठ शासन की बात होती है तो राम राज्य की बात होती है, लेकिन राम राज आना है तो रास्ते में कई घिसे पिटे पुराने कानून पड़े हैं, उनका क्या होगा? पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने टीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। मैंने काम दूसरा शुरू किया है, मैंने कानून जितने पुराने हैं बेकार हैं सबको खत्म करने का शुरू किया। कानूनों में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी घोषणा खुद नरेंद्र मोदी ने मेडिसिन स्क्वायर में की, वीजा कानूनों में बदलाव का ऐलान करके। पीआईओ कार्ड होल्डर जो है उनकी वीजा की कई समस्याएं हैं, हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक 1382 ऐसे कानून हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं और उन्हें रद्द किया जा सकता है। पुराने कानून खत्म या बदले जाने का संकल्प हो सकता है कानून का रास्ता आम जनता के लिए आसान बना सके, ताकि उम्मीद धुंधली होने से पहले इंसाफ मिल सके। पंकज शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब रावण के उस सर की बात जिसे काटने का वादा हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन उस शीष को काटने में सबकी मंशा में कुछ ना कुछ खोट आ जाता है। सबके नाते रिश्तेदार निकल आते हैं, कोई जान पहचान का निकल आता है, पार्टी में कोई नेता निकल आता है, कोई ना कोई भ्रष्ट हो ही जाता है। नरेंद्र मोदी ने मिट्टी की सौगंध खाई है कि रावण के इस सिर को तो काटना ही है। भाइयों बहनों, मैंने पीड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री का संकल्प देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहता है, विकास की सुस्त पड़ी रफ्तार को गति देना चाहता है, भ्रष्टाचार रूपी रावण को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहता है और उनका ये संकल्प बार बार लगातार झलकता है।
भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने। मोहम्मद अनस जुबैर के साथ पंकज शर्मा, दिल्ली आज तक। आज की तारीख में बस महंगाई रावण नहीं है, बल्कि रावण भी इस तरह की रामलीला में बहुत महंगा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तो महंगाई के रावण के वध का वादा किया था, जनता ने उन्हें इसीलिए चुना था। उस रावण का वध तो सबसे जरूरी है। रावण है कि मानता नहीं, हर वार को, हर प्रहार को सहते हुए दोबारा उठ खड़ा होता है। हर बार नई मुश्किलें, नई चुनौतियों के साथ, नए इम्तिहान के साथ। मोहम्मद अनस जुबैर, दिल्ली आज तक। जब बार बार प्रहार करने के बावजूद रावण का अंत नहीं हो रहा था, तब श्रीराम ने अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल किया, रावण की नाभि पर वार किया, रावण वहीं गिर गया, पाप का नाश हो गया। कलयुग में रावण अनेकों हैं और यहां पर रावण का अंत करने वाले शस्त्रों की भी अपनी एक एक्सपायरी डेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 10 सरों को अभी काटे न काटे, लेकिन अगर रावण के सर झुकने पर मजबूर कर दिए, असली विजयदशमी तभी मनेगी। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।